दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा एंजल वन ऐप के अंदर डिलीवरी के लिए शेयर कैसे खरीदते हैं, यानी अगर किसी शेयर को मुझे लंबे समय के लिए रखना है खरीद करके तो कैसे खरीदूंगा, तो खरीदने का तरीका बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर उसको आज ही बेचने का मेरा मन कर दे तो कैसे बेचेंगे, अगर मुझे एक महीने बाद उसको बेचना है तो कैसे बेचेंगे। सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपने आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। आईडी पासवर्ड आपको तभी मिलता है जब आपका डीमेट अकाउंट एंजल वन के अंदर खुला हो। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला है और आप खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री में खुल रहा है। चूंकि मैंने एंजल वन ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है, जैसे लॉगिन किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमें शेयर खरीदना है लंबे समय के लिए, तो हम सबसे पहले होम पेज पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करके अपने शेयर का नाम सर्च कर लेंगे। अगर वो शेयर निफ्टी 50 के लिस्ट से है तो हम सीधा निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर वो शेयर निफ्टी 50 की लिस्ट से नहीं होता तो हम सर्च के ऊपर क्लिक करके उसका नाम सर्च कर लेते हैं। ITC लिमिटेड करके इसका नाम है, मैं इसी को खरीदना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ITC का जो स्टॉक है अभी 431.70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.45 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, बड़ा हुआ है आज के डेट में, और परसेंटेज में देखें तो 0.57% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं इसी शेयर को खरीदना चाहता हूँ इसलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही ITC के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ITC के स्टॉक से जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। स्टॉक डिटेल के ऊपर क्लिक करके इस शेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसको खरीदने जा रहा हूँ इसलिए बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो खरीदने के लिए हम बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, खरीदने का पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। डिलीवरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस शेयर को लंबे समय तक के लिए रखना है खरीद करके। यहाँ पर क्वांटिटी, कितने शेयर खरीदना है, 2, 4, 10, 20, 50, 1, जितने भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बशर्ते उतना पैसा आपके पास होना चाहिए प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर देखिए मेरे फंड के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा है कि आप 11 क्वांटिटी मैक्सिमम खरीद सकते हैं। फिलहाल मैं 10 ही खरीदने वाला हूँ तो क्वांटिटी में मैंने 10 डाल दिया। इसके बाद प्राइस, किस भाव के ऊपर इसको खरीदना चाहते हैं। अभी 431.55 रुपये भाव चल रहा है, एक शेयर की कीमत है 431.55 रुपये। मैं चाहता हूँ कि ये शेयर 431 रुपये के भाव पर मिलेगा तो खरीदूंगा, उससे कम मिलेगा तो खरीद लूंगा, लेकिन उससे महंगा मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा। तो मैंने 431 प्राइस डाला लिमिट के ऊपर क्लिक करके और यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जब इस शेयर का दाम 431 या उससे कम होगा तभी ये शेयर खरीदा जाएगा, नहीं तो ये पेंडिंग पड़ा रहेगा। शाम तक अगर प्राइस नीचे नहीं आया तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं चाहता हूं कि जो भी भाव पर ये स्टॉक मिलेगा मैं खरीद लूंगा तो मैं यहां पर मार्केट ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूं। मार्केट का मतलब यह है कि जो प्राइस यहां दिख रहा है इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड में भाव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने मार्केट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कितना पैसा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, वो पैसा यहाँ पर दिख रहा है 4,315.50 रुपये चाहिए लगभग अभी। तो ये पैसा अगर मेरे फंड में नहीं रहेगा तो ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। तो शेयर खरीदने से पहले जितने रुपए का आप शेयर खरीदने जा रहे हैं उतना पैसा एंजल वन ऐप के अंदर ऐड कर लीजिएगा। फंड कैसे ऐड विड्रॉल करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब देखिए एक शेयर हमारा बाई हो चुका है, हमने मार्केट रेट पर बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया था इसलिए ये तुरंत बाई हो गया। अगर हम लिमिट लगाते तो हो सकता है कि मैच न करे प्राइस तो पेंडिंग में पड़ा रहता। जो भी ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा वो ओपन सेक्शन में रहेगा, ओपन ऑर्डर वाले ऑप्शन में रहेगा, और जो कंप्लीट हो जाएगा वो पोजिशन में हमें दिखेगा। तो फिलहाल ये ITC का शेयर 10 क्वांटिटी बाई हो चुका है, एवरेज प्राइस यहाँ दे रहा है 431.50 रुपये के भाव पर बाई हुआ है। अब यहाँ से अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें यहाँ प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस गिरता है तो हमें लॉस होगा। ऑर्डर की डिटेल हमें ऑर्डर्स में दिखाई देगी। अब देखिए शेयर तो खरीदा जा चुका है और इसको खरीदने का तरीका भी पता चल चुका है, लेकिन इसको बेचेंगे कैसे। अगर आज इसको बेचना है, जिस दिन खरीदा उसी दिन अगर बेचना है तो बेचने का तरीका अलग है। अगर आपको आज के बाद किसी और दिन बेचना है
चाहे वो भले साल भर बाद बेचना हो, 2 साल बाद बेचना हो, 6 महीने बाद बेचना हो, 10 दिन बाद बेचना हो, वो तरीका अलग है। तो आज ही बेचने के लिए हम ऑर्डर्स में आएंगे, पोजीशन में आएंगे और यहाँ पर जो हमारा स्टॉक दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपनी क्वांटिटी डालेंगे, जितना खरीदा था उतना ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है ना मैक्सिमम क्वांटिटी 10, क्योंकि हमने 10 खरीदा था तो 10 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ अपना भाव डालेंगे, जैसे 450 या उससे ज़्यादा प्राइस गया तो हम बेच देंगे। तो हम यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करके ये प्राइस डाल करके एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये वेट करेगा कि जब ये भाव 450 या उससे ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल कर देगा। अगर प्राइस 450 या उससे ऊपर नहीं गया तो ये ऑर्डर शाम तक कैंसिल हो जाएगा, ये शेयर आपका पड़ा रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो भी भाव मिल रहा है तुरंत बेचेंगे, टारगेट नहीं लगाएंगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ मार्केट का यूज़ करके एग्जिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मार्केट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक किया तो ये जो ऑर्डर प्लेस होगा ये मार्केट प्राइस के ऊपर तुरंत सेल कर देगा। कल से ये स्टॉक पोजीशन में नहीं दिखेगा, ये केवल पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगा, तो हमें पोर्टफोलियो के अंदर से जा करके उसको सेल करना होगा। अब जब हम पोर्टफोलियो के अंदर अपने डिलीवरी के शेयर को सेल करेंगे तो उस टाइम पे हमें टीपिन से वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये टीपिन से वेरीफाई करना पड़ेगा तभी हम सेल कर पाएंगे। चूंकि ITC के शेयर को तो मैंने आज ही खरीदा है, इसको छोड़ देते हैं। एक PFC नाम का शेयर मैंने खरीदा था, 5 क्वांटिटी 116.10 रुपये के भाव पर, 6 महीना पहले खरीदा था। अभी 166.25 रुपये प्राइस चल रहा है इसका। इसको मैं सेल करके दिखाता हूँ। इसी के तरीके से आप किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं जो कि डिलीवरी में है और काफ़ी दिन से आपने खरीद करके उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस स्टॉक को मैं सेल करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सेल करते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर वेरीफाई टू सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। सेल करने से पहले वेरीफाई टू सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास अगर टीपिन है तब तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए, टीपिन नहीं है तो रीजनरेट टीपिन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं रीजनरेट टीपिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो CDSL का टीपिन है 6 अंक का, वो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड कर दिया गया है। अब मैं यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर टीपिन आ चुका था जिसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो टीपिन से ये वेरीफाई हो जाएगा। अब OTP से वेरीफाई करना है। OTP भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी आपने Angel1 ऐप के साथ रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर हम OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है, अब वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। देखिए 2 बार OTP डाला गया है, 1 बार CDSL का टीपिन डाला गया है और दूसरी बार OTP डाला गया है। तो जैसे ही हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो यानी आज के लिए ये ऑथराइज हो गया है, इस स्टॉक को अब हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। अब हम इस होल्डिंग के शेयर को सेल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। हम सेल के ऊपर क्लिक करके इसको बेचेंगे। अब जैसे ही इसको सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी रखेंगे हम, कितने शेयर बेचना है हमें, तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी 5 है। PFC का जो शेयर है इसको 5 ही क्वांटिटी हमने इसकी खरीद रखी है। तो 5 में से 5 बेचना चाहते हैं, 4 बेचना चाहते हैं, वो हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो फिलहाल मैं पूरा 5 बेचना चाहता हूँ और डिलीवरी में चूंकि खरीदा था इसलिए इसको डिलीवरी ही रखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ लिमिट लगा करके बेचना चाहते हैं या मार्केट, आपको लिमिट और मार्केट का अंतर पता चल ही गया होगा। फिलहाल मैं इसको मार्केट प्राइस पर बेचना चाहता हूँ, लिमिट नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मार्केट प्राइस पर इसको सेल करूंगा। चार्जेस भी यहाँ क्लिक करके देखा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने सेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा सेल हो जाएगा क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पर सेल किया है। हम ऑर्डर्स के अंदर, पोजीशन के अंदर अपने स्टॉक को देख सकते हैं। ये PFC का जो शेयर अभी हमने सेल किया है, 166.05 रुपये के भाव पर सेल हुआ है, 5 क्वांटिटी, ठीक है, -5 शेयर लिखा हुआ आ गया, तो ये सेल हो गया है। अभी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये शेयर आज खरीदा नहीं गया, केवल सेल किया गया है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। लेकिन जब शाम को मार्केट क्लोज होगा
तो ये मिलाएगा, अपनी खाता बुक में देखेगा कि क्या ये जो शेयर बेचा गया है ये पहले खरीदा गया था। अगर वो पाएगा कि हाँ खरीदा गया था तो वो सेटल कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो प्रॉफिट पहले दिखा रहा था वो प्रॉफिट हमें मिलेगा, जो प्रॉफिट हमें पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहा था या जो लॉस हमें पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहा था वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा था इसलिए हमें प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ कितना भी लॉस हो जाए कितना भी प्रॉफिट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने केवल शेयर आज सेल किया हुआ है, खरीदा बहुत पहले था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने होल्डिंग के शेयर को खरीद सकते हैं, होल्डिंग के शेयर को आज बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, होल्डिंग के शेयर को काफी दिन बाद बेचना चाहते हैं 2-4-10 दिन बाद 1 महीने बाद तो वो भी आप कर सकते हैं, टीप इन और ओटीपी से वेरीफाई करके। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।